हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। तो यार, वीडियो का टाइटल बड़ा कमाल होने वाला है। वीडियो का टाइटल है 15 अगस्त से पहले ही कश्मीरी मौलाना ने ऐसा बयान दिया कि पीएम मोदी भी शॉक हो जाएंगे इसको देखकर। अच्छा, हाँ, ये वीडियो का टाइटल है। अब वॉच करेंगे तब क्या बयान दिया, वही ना, अब देखते हैं भाई। और ये वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कौन करते हैं स्टार्ट। कौन कौन वक्त कहेगा कि तिरंगा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। बाजू कटेगा तो मुंह से उठाऊंगा, सर कटेगा तो फिर भी भारत माता की जय बोलो। भाई साहब, कश्मीर का एक पार्ट है पाकिस्तान के पास। इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आजाद कश्मीर बोलते हैं उनको, वो हुकूक मिले हैं बेचारों को, वो हमारा हिस्सा है। तो संभव है कि मोदी जी पीओके को भी रणनीति बना। मोदी जी बहुत कुछ करने वाला है। जो ये पाकिस्तानी वो घुसपैठ वाले लीडर है जो पाकिस्तान को भी लूटता है, उनको भी सिखाएंगे देश कैसे चलाना है। या तो हमारी ही देश में वापस जम हो जाओ या खुद के देश से ही ढंग से चलाओ। पर कहने वाले कि नहीं, आर्टिकल 370 आरजी है। ओ भैया, बार बार क्या है, 72 साल से आप बोलते हैं आरजी है। परमिट करो ना, परमिट किसी ने किया नहीं, सिर्फ एक नारा लगाया, ये आर्टिकल 370 आरजी है। जब ये आरजी है तो इसको टूटना ही टूटना था। हाँ बिल्कुल, आरजी सिस्टम को, जो सस्ता चीज़ होता है तो उसको तो खराब होना ही होना, जो अच्छा हो, स्ट्रांग हो। भैया आप मुझे ये बोलो, आप नारा लगाते ये आर्टिकल 370 हमारा आरजी है, आरजी इलाक है, तो तोड़ दिया पार्लियामेंट ने। तो आप लोग ये बार बार ये बोलते हैं तो आपने परमिट क्यों नहीं बनाया, अब मेरा सवाल है। अशरफ आज़ाद जो 92 जब यहाँ नरेंद्र भाई मोदी जी और मुरली मनोहर जोशी जी तिरंगा फैलाने के लिए आए थे, तो मैं एक व्यक्ति हूँ जो उनके पास गया और उसमें शिरकत किया है। अच्छा, तो उनके साथ दोस्ती भी हुई है। उसी दिन एक गाँव से हाकिरमुला बड़गाम से निकलकर मैं पहुंचा लाल चौक में और उस तिरंगे को सल्यूट किया है। जबरदस्त है ना सर, आपने बहुत बताई थी कि मतलब आप छो पहुंच करके तिरंगे को सल्यूट कर रहे थे, उधर वो बंदूक तोप वाले भी थे आपके गांव से हिजबुल के। ओ भैया, इतने इतने वहां से जहां से मैं निकला वहां से दो जने निकले हैं जी। एक ने उस पार लिया है, दूसरे ने तो अपना है। भारत मेरा है, मैं क्यों जाऊँ उधर उधर, जब भारत मेरा है, पूरा मुल्क मेरा है, मैं उधर इधर क्यों जाऊं? मैं अपनी मुल्क को सही बात जब मेरा है तो मैंने उनको देख देख करना है, उसके लिए लड़ना है ना। महबूबा मुफ्ती वगैरह, जो उमर अब्दुल्ला वगैरह, आप लोगों के सीएम रह चुके हैं यहाँ के, वो कहते हैं कि मतलब कि 370 हटने के बाद कहते थे कि 370 हटेगा तो कोई तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज है, 10 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला है, तो क्या अभी 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 देखिए अभी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हमारी शान है, ये तो है बिल्कुल हमारी जान है, हम उम्रे कुर्बान है। आए हाय यार, जज्बा है बंदे का। तो कौन कौन वक्त कहेगा कि तिरंगा उठाने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। सही बात की, बाजू कटेगा तो मुंह से उठाऊंगा। यार ये बात बहुत अलग ही है बिल्कुल, फिर भी भारत माता की जय बोलने वाला बात है। ये इसलिए बोलते हैं, मैंने आपको शायद आपने ये मेरी जो कुछ बातें की आप लोगों से, तो शायद आप लोगों ने इसमें पूरा समझा नहीं। मैंने आपको ये जो 777 इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने आरजी मतलब टेम्प्ररी आर्टिकल 370 आरजी थ्री, वो अब देखो कितनी पीढ़ियों ने बोला है, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, फिर आ गया मुफ्ती साहब, फिर आया उमर साहब, फिर आया फिर मुफ्ती साहब, और ये जो हमारा है गुलाम नबी आज़ाद, वो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहा। ये रहे सारे बिल्कुल, मुफ्ती जी भी यहाँ चीफ मिनिस्टर, हर किसी ने एक ही रट लगाए है, आर्टिकल 370 आरजी है। यहाँ कश्मीर में कोई युवा उठा है, भैया इसको परमिट करो,
या आज भी उनको कुछ कोई बोलता है भैया आपने परमिट क्यों नहीं किया? हाँ बिल्कुल, आजादी के लिए था, मतलब आजाद कश्मीर की एक तरीके से धारा थी उसको। मेरी बात सुनो, आजादी का मतलब क्या है? अलग अलग तरीके से। मेरी बात सुनो, आजादी इस चीज को आप वहाँ से दिल्ली से आए हैं, आप मेरे साथ बात करते हैं, यहाँ से निकल कर आप घूमेंगे फिरेंगे, इसको कहते हैं आजादी। ये चीज सही बोला, उसको कहते हैं वो गलत बोलते हैं, उसको बोलते हैं घर घर अलग बनाना है। वो घर अलग बनाओगे फिर सोचो खाओगे क्या। वेलकम। इसी कश्मीर का एक पार्ट है पाकिस्तान के पास, जिसको वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, उनको वो हुकूक मिले हैं बिचारों, वो हमारा हिस्सा है, वो रो रहे हैं, उनसे भी हम गुजारे के आओ भैया हम मिलकर चलेंगे, उधर क्या करना है, छोटा सा मुल्क है। ठीक है पाकिस्तान बोलता है हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों आपसे मैं इतना ही बोलता है, जो आपके ये खुद गर्ज पॉलिटिशियन है, उन्होंने आपको लूटा और लंदन ने लिया पैसा, तो आप भूखे मर रहे हैं। सही बात, तो हम क्यों आ जाए आप लोगों के साथ? सही बात, तो यहाँ से निकाल रहे हैं ये करप्शन वालों को, तो आप तो बिठा रहे हैं, आप बिठा रहे हैं, निकाला है जिन्होंने गरीबों का पैसा खाया है, वही दास्तान यहाँ कुछ पार्टियों ने, पोलिटिकल पार्टियों ने चलाए हैं, वही हिकमत यहाँ चली है। दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान है। सही बात की, बात में दम है। ना कौन करेगा, हिंदू का अपना मजहब है वो पाले, तो नफरत क्यों करें हम आपस में, क्यों नफरत करें? नफरत नहीं है। पीओके के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते? मैंने यही बोला ना आपको, बोला वो भी हमारा जिस्म का एक पार्ट है, मतलब हिंदुस्तान का पार्ट है कि क्या? जब मैं बोला मैं भारत मेरा है, इसका क्या मतलब है? पार्ट है। जब भारत खुद बोलता है कश्मीर हमारा ताज है, इसका क्या मतलब है? वो हमारा ही एक पार्ट है ना, एक जिस्म का, हाँ तो उसको भी पार्ट से ही मिलना है ना। मतलब ये मान के चलिए कि चार पार्ट है, तीन पार्ट इधर ही है, एक पार्ट उधर है, हम चाहते हैं वो एक पार्ट भी इधर ही आ जाए। ये बात तो यार, यार बातें बहुत ज्यादा सॉलिड की हैं इन्होंने। वो कहते हैं मतलब के ये तो वो तो कहते हैं, चलो माना वहाँ पे भी मुसलमान है, ठीक है मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है वो बात नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि वो खुद भूखे मार रहे हैं तो हम क्यों उनके साथ मिलेंगे? जब हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस हमारा देश है, इंडिया हमारा देश, तो हम क्यों वहाँ पे जाए? हमें पागल कुत्ते ने काटा है। बात तो इनकी बिल्कुल ठीक थी ना, बिल्कुल सही बात है। इधर इधर ये लोग आए ना तो भूखे मरेंगे। हालात देख लेना, उधर से आवाजें कैसी उठ रही हैं। ना इधर तो भाई मौलाना ने खड़का दिया, माहौल उठाया है मौलाना जी ने। और इतने मजे का कहते कहते हैं, अगर मेरा हाथ काट दोगे मैं मुंह से भारत का झंडा उठाऊंगा, अगर मेरा तुम लोग गला काटोगे तो मैं तभी भारत माता की जय बोलूंगा। ये होता है, ये होता है, बिल्कुल है, यही बात है। और बीच में जिन्होंने जो इसने बोला के मतलब के और लोगों के लिए कि युवा क्या सोचते हैं पीओके के बारे में, ये वो कहता है कि यार जब मेरी ऐसी सोच है तो औरों की सोचो ना क्या होगी। बिल्कुल, अब आप आर्टिकल वहां से हटाए ना, सारे सेट हो गया। वो जो वो कौन थे, वो सीएम ईएम जो रहते थे बड़ा, सारे वो मुफ्ती शुफ्ती जो थे, वो सारे कहते थे ये, मतलब उनको भाई झंडा उठाने वाला कोई नहीं आपको मिलेगा। हाँ वो देखो पूरा कश्मीर में इंडिया का झंडा लहरा रहा है, उनको उठा उठा के फेंका है ना, खुद मोदी जी से मिला है। लाल किला पे जब झंडा लहरा रहे थे बोला मैं सलूट मारा है, ये बात। और कहते हैं कि भाई मेरी दोस्ती भी हो गई उनसे, और भाई जहरी बात है। फिर जिस तरह मौलाना ने बातें की है ना, बिल्कुल सही की। और होना भी यही चाहिए। जैसे मैं भारत कश्मीर को ताज भाई अपना ताज समझता है, मैं भी इंडिया को अपना ताज समझ। यही बात है, बिल्कुल ये बात उन्होंने बोली। तो यार आप लोग बताएं, आपके कहते हैं इधर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।